हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगी और स्वस्थ होगी। सो आइए बिना देर के हुए आज का रेसिपी स्टार्ट करता हूँ। आज जो रेसिपी है मेरा फ्रेंड्स, भेज दाल, और इस दाल पर क्या क्या सामान ऐड करना पड़ेगा, और पूरा ऑयल फ्री दाल है। मैंने इस पर ऑयल नहीं ऐड किया है मेरा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा घर पर थोड़ा मेरा सासा गुजर गया है ना, सो इसीलिए मैं बॉयल दाल और राइस का साथ खा रहा हूँ। और आप लोग भी एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा मेरा फ्रेंड्स। सो आइए, बॉयल दाल बनाने के लिए देखिए, मैंने जो सिल्का वाला मोगू दाल लिया है, और ये दाल आप लोग को 3-4 घंटा भिगो के रखना है, और अच्छी तरह से 2-3 बार धुलाने से उसका जो छिलका ना फेंक देना है आप लोग को, ठीक है। और इस तरफ जो मैंने एक पपीता लिया है, और एक पपीता का साथ मैंने लाई पाटा लिया है, और पपीता लाई पाटा मैं मिक्स करके दाल बनाऊंगी। और मैंने पपीता को छील लिया इसी तरह से, और छीलने के बाद आप लोग को 1 by 1 करके काट लगाना है। उसके बाद जो लाई शाक है ना, वो भी आप लोग को 2 या 3 पीस आप लोग को कर देना है। देखिए मैंने करके रेडी कर लिया, और इस तरह मैंने जो गुटी आलू होता है ना, आसाम का जो लोकल आलू गुटी आलू, वो मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रेडी कर लिया। और मैंने कुकर लिया है, प्रेशर कुकर, उस पर मैंने गुटी आलू ऐड कर दिया। और उसके बाद जो मैंने का सब्जी काट के रखा था वो मैंने ऐड कर दिया, और अभी मैंने एक टमाटर मैंने ऐड कर दिया। और उसके बाद जो मैंने दाल भिगो के रखा था, ये देखिए मैंने अच्छी तरह से 2-3 बार वॉश करके धुला लिया, और उसका जो छिलका है ना वो आप लोग को फेंक देना है मेरा फ्रेंड्स। और देखिए मैंने दाल ऐड कर दिया, और अभी इस पर मैंने साना ऐड कर दिया, जो मैंने साना भिगो के रखा था वो मैंने साना ऐड कर दिया। और अभी आप लोग को पानी ऐड करना है, देखिए मैंने पानी भी ऐड कर दिया, और थोड़ा सा आप लोग को स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। और अभी आप लोग को ढक्कनी लगा देना है, 5 या 6 सीटी आप लोग को ऐड करना है। और देखिए मैंने गैस को ऑन कर दिया, और अभी मैं कुकर को बैठा दिया गैस पर, और इस तरह मैंने राइस बैठाने के लिए पानी बैठा दिया मेरा फ्रेंड्स। यही मेरा किचन है मेरा फ्रेंड्स, किचन अच्छी तरह से बनाया नहीं है, बनाऊंगी, ठीक है तब। और इस तरह मैंने धनिया पत्ता, बारीक धनिया पत्ता मैंने काट लिया, क्योंकि धनिया पत्ता ऐड करने से जो भेज दाल है ना वो खाने के लिए स्वाद होता है मेरा फ्रेंड्स। और इस तरह मैंने मेरा जो सीटी है ना वो लगभग 4-5 सीटी मैंने मार के, उसके बाद दाल को ढक्कन मैंने निकाल दिया। और देखिए अच्छी तरह से दाल कुक हो गया है मेरा फ्रेंड्स, आलू भी मेरा अच्छी तरह से कुक हो गया है। और इस पर आप लोगों को जो मैंने बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड कर दिया, और अभी 2 या 3 मिनट आप लोग को उबल आने के लिए अच्छी तरह से दीजिएगा, तब धनिया पत्ता अच्छी तरह से सेट होगा मेरा फ्रेंड्स। और फाइनली मेरा दाल रेडी हो गया मेरा फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत स्वाद और बहुत टेस्टी होता है मेरा फ्रेंड्स, आप लोग भी एक बार जरूर ऐसे दाल बना के खाइएगा। और ये देखिए मैंने राइस का साथ ले लिया दाल, क्योंकि ऐसे खाना कभी कभी खाना चाहिए, हर दिन आप लोग ऑयल मत खाइएगा ज्यादा, बॉयल भी खाना खाना चाहिए, ठीक है मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए केला का जो पाटा पर मैंने राइस को निकाल दिया, और इस तरह मेरा बेटा खाना खा रहा है, देखिए ये मेरा लड़का है, ये देखिए। आज के लिए इतना ही है, टैप टैप के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय आय अहोम।